और आइए बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। जी हाँ, वही दिल्ली एनसीआर जो पहले कोरोना से कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित था और अब इसके बाद में प्रदूषण की मार भी कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब इसका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, ये विजयदशमी पर दशहरे के मौके पर भी देखने को मिला। जागरूकता के लिए लोगों ने ऐसा रावण तैयार किया जो कोरोना की तो शक्ल में है लेकिन उसे बाकायदा मास्क पहनाया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि मास्क लगाएंगे तो कोरोना से भी बचेंगे और प्रदूषण से भी बचेंगे। अभी आप तस्वीर देखिए, ये दरअसल ये रावण दहन के लिए तैयारियां की गई थी। ये कोरोना का रूप इस बार रावण को दिया गया और मास्क लगाकर सीधे सीधे संदेश दिया गया कि मास्क ही पूरी तरह से बचाव है। तो दिल्ली के लोग खासा तौर पे दो चीजों की वजह से परेशान हैं। पहला तो ये कि कोरोना और दूसरी तरफ प्रदूषण जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से परेशान हैं। लेकिन इसको लेके अवेयरनेस कैंपेन भी जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं। आप देखिए, रावण है, रावण के मुंह पर मास्क पहना हुआ है रावण ने, और ये एक कैंपेन है जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके ताकि कोरोना से बचने के लिए और पोल्यूशन से बचने के लिए वो प्रॉपर अपने इंतज़ाम करके ही घर से निकले। ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकले। पीएम ने साफ तौर पे पहले स्पीच में अपने कहा है कि अभी तक जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, किसी भी तरीके का ढिलापा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस समय हम सीपी में हैं और सीपी में करंट प्लेस में यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि डीएम ऑफिस नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की ऑफिस की तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तमाम तरह के कोरोना के जो वायरस है वो दिखाया गया है। एक रावण है जो मास्क पहने हुए है, रावण के हाथ में आप देखिए सैनिटाइजर के लिए बाकायदा एक मशीन। खास तौर पे ये जो कैंपेन है, इस तरह के कैंपेन दिल्ली में अलग अलग जगहों पर चलाए जाएंगे। खास इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो कोरोना है, कोरोना की वजह से तो लोग परेशान हैं ही हैं, साथ में जो पोल्यूशन की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह होती जा रही है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं लोगों को बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि जब तक दवा नहीं आएगी तब तक ये मास्क ही आपकी सुरक्षा कर सकता है, कोरोना से आपको बचा सकता है, ना सिर्फ कोरोना से बल्कि आपको प्रदूषण से भी बचा सकता है। पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो यानी कि दिल्ली में रावण भी पूरी तरह से कोरोना से घिरा हुआ है और उसे भी मास्क लगाकर संदेश दिया गया और यही संदेश दिया गया कि मास्क लगाएंगे तो कोरोना प्रदूषण दोनों से बचेंगे। दरअसल दिल्ली एनसीआर में कोरोना का तो कहीं ना कहीं प्रभाव है लेकिन अब मुसीबत दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की ज्यादा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है। अब ये पांच तस्वीरें देखिए, एम्स की तस्वीर है, अक्षरधाम की तस्वीर है और इसी तरह से इंडिया गेट की आप तस्वीर देखिए। सिर्फ और सिर्फ कोहरे की ये जो धुंध आपको नजर आ रही है, प्रदूषण की पूरी तरह से स्मॉग है ये जिसकी मोटी चादर यहाँ पर घिरी हुई नजर आती है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है दिल्ली।